आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के बारे में। आप सभी को पता होगा कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का अमालगमेशन यानी मिश्रण विलय कर दिया गया है इंडियन बैंक में। अब पूर्णतः इंडियन बैंक बन चुका है, जिसमें अब इलाहाबाद का भी वर्क इंडियन बैंक में ही होगा। कुल मिलाकर के अब इलाहाबाद बैंक का नाम हट चुका है, अब पूर्णतः इंडियन बैंक के नाम से जाना जा रहा है। इसमें अमालगमेशन होने के कारण बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसे आपका पासबुक हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, एमआईसीआर कोड हो गया, चेकबुक हो गया, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। तो उसमें से क्या है, कुछ चीज़ क्या है, आप लोगों को बैंक जाकर विजिट कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जो कि हो चुका है, जिसमें क्या होता है कि जैसे आप सीएसपी सेंटर है आपका, या कैफ़े है, या आप मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, या किसी को आप पैसे भेजते हैं, या आपको कहीं से पैसे आने वाला है, तो इसमें अगर आपका पहले इलाहाबाद बैंक में अकाउंट था तो और आईएफएससी कोड भी वही पुराना वाला था, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर कोई पैसा आपको भेज रहा होगा इलाहाबाद बैंक वाले में, तो अब पैसा नहीं आ पाएगा। अगर आप किसी को भेजना भी चाह रहे हैं तो अब ये नहीं भेज पा रहे होंगे, क्योंकि जो पुराना आईएफएससी कोड है वो अभी वर्क नहीं कर रहा, न्यू आईएफएससी कोड जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो इलाहाबाद बैंक का न्यू आईएफएससी कोड जारी कर दिया गया है, जो कि इंडियन बैंक द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक द्वारा न्यू आईएफएससी कोड जारी कर दिया गया है। ब्रांच कोड वगैरह जो कि न्यू जारी किए हैं, वही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वो नए आईएफएससी कोड आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लस आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल भी रख सकते हैं अपने पास, या डाउनलोड कर सकते हैं, या ईमेल आईडी पर रख सकते हैं, या आप अपने गूगल ड्राइव पर उसको सेव भी कर सकते हैं, या आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप पा सकते हैं घर बैठे ही मोबाइल से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हम इंडियन बैंक, जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जो कि आप www.indianbank.in पर आपको आना है। वेबसाइट का लिंक हम आपको यहाँ पर दे देंगे, बाकी आप गूगल पर सर्च करके आप आ जाएंगे। तो जैसे आप वेबसाइट यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये न्यू वेबसाइट है, इसमें आपको हम यहाँ पे चेकआउट भी करा देते हैं, जैसे आप इसमें देख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक यहाँ दिखाया गया है, तो इस तरह से यहाँ पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर है, नेशनल टोल फ्री नंबर है, तो आप ये नेशनल टोल फ्री नंबर, इसमें भी आप बात करके कुछ भी बैंक से जुड़ी अपडेट जो भी है अपडेट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, आईएफएससी कोड कैसे हम पता करें, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सा लिंक यहाँ पे दिया गया है, अमालगमेशन। ये अमालगमेशन है, इसका मतलब है मिश्रण यानी विलय। तो ये वाले इस टैब में आपको क्लिक करना होगा, इस टैब में आएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो मतलब आईएफएससी कोड पर मर्ज कर देंगे वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस अमालगमेशन में आपको आना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आगे का टैब प्रोसेस पे जाएगा। आगे टैब प्रोसेस होने के बाद न्यू टैब ओपन हो जाएगा, इसमें आपको एक दो सेकेंड का वेट कर लेना है, इसमें आपको बैक नहीं जाना है, क्योंकि इसमें एक नई फाइल ओपन होगा, जो नए टैब ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि हम आगे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसा न्यू टैब ओपन हो जाता है। उसके बाद जैसे अमालगमेशन वाले सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे अमालगमेशन का सेक्शन आ चुका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें जो भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे न्यू आईएफएससी कोड, ये हम आपको यहाँ पे हाईलाइट करा के दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू आईएफएससी कोड है, ये दिया गया है न्यू आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, ब्रांच कोड, ये इलाहाबाद बैंक का जो था वो अब चेंज हो चुका है, अब आपको यहाँ पे न्यू जारी कर दिए जाएंगे। तो ये हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट न्यू इसी पे क्लिक करना होगा आपको। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अगला टैब ओपन होगा, तो आपको बैक नहीं करना है, इसको एक दो सेकंड का वेट कर लेना है। उसके बाद अगला टैब ओपन होते ही आपका नई फाइल ओपन हो जाएगी इसी वेबसाइट पर। तो उसके बाद यहाँ पे ये जैसा कि आप यहाँ पे इंटरफेस देख पा रही है, अगला टैब यहाँ पे ओपन हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे न्यू आईएफएससी एमआईसीआर ब्रांच कोड विथ इलाहाबाद बैंक। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते ही अगला हम आपको जो मेन टॉपिक है उसी पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है ये आपका फरवरी के बाद ये चेंज कर दिया गया था,
उसके बाद जैसे यहाँ पे हम आते हैं, ये चीज आ चुका है। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट सेक्शन दिया गया है, दो तीन, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू IFSCM CR कोड अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देख सकते हैं, या आप स्टेट वाइज, या अगर आप स्टेट वाइज देखना चाहते हैं तो इस वाले में, इस वाले टाइम में आपको कर लेना है, आप जिसे प्रदेश के वाइज देखना चाहते हैं या आप अल्फाबेट के सिस्टम से देखना चाहते हैं, दोनों यहाँ पे सिस्टम मौजूद है, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे लाइव विथ प्रूफ करके दिखाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, या आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें सेक्शन है जो कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप बाई IFSC कोड के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओल्ड IFSC कोड, ब्रांच कोड या ब्रांच नेम के नाम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से आप दो तीन तरीकों से आप देख सकते हैं, आपको जैसा देखना पसंद है आप वैसे देख सकते हैं। जैसे आप ब्रांच कोड के यहाँ से देखना चाहते हैं, ब्रांच कोड के जैसे यहाँ से देख सकते हैं, ब्रांच नेम से, जैसे एग्जांपल तौर पे हम यहाँ पे ब्रांच के नेम कैसे देखना चाहते हैं, तो ब्रांच नेम यहाँ पे हम डाल दिए, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं ब्रांच नेम, हम आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पे आ जाते हैं। तो वीडियो पे आप स्किप मत करना, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ब्रांच नेम पे यहाँ पे हम आते हैं, जैसे ब्रांच नेम हम कुछ भी डाल देते हैं, जो भी है आपका सतना, एक मिनट, सतना हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ ब्रांच नेम हम यहाँ पे डालेंगे, तो ब्रांच नेम डालने के बाद जैसे हम सबमिट करेंगे, ये सतना डाल दिए यहाँ पे, जैसे हम सबमिट करते हैं तो ये आगे का प्रोसेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सतना डाल दिया, यहाँ पे दो ब्रांच कोड यहाँ पे इशू हो रहे हैं दो, जो कि जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आपको न्यू IFSC कोड हो जाएगी, ओल्ड IFSC कोड हो जाएगा, ब्रांच नेम हो जाएगा। इस तरह से हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि ये ब्रांच नेम हो गया, ठीक है, सतना हो गया, ये ओल्ड IFSC कोड, आप इसको मैच कर लेना, आप इसको मिला लेना, ध्यान रखना है आपका पुराना वाला यही था या नहीं था। उसके बाद जो न्यू जारी किया जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, न्यू IFSC कोड है आपका। उसके बाद जो न्यू EMICR कोड हो गया, और ये ओल्ड ब्रांच कोड हो गया, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने तरीका बता दिया ब्रांच नेम से। इसी तरीके से आप इन ब्रांचों का अगर देखना चाहते हैं, तो आप IFSC पुराना IFSC कोड देख कर भी आप देख सकते हैं दूसरे तरीके से। अगर आप मतलब स्टेट वाइज देखना चाहते हैं, डायरेक्ट स्टेट वाइज भी देखना चाहते हैं, तो वो हमने आपको बताया, जैसे आप वहाँ से स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कमाल का यहाँ पे फीचर्स है, जो इसी वेबसाइट में आपको बड़ी आसानी से ये मिल जा रहा है। आपको कहीं मतलब ब्रांच से जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट चलाने में या ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम इशू आता है, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर नंबर पर, ये कस्टमर केयर नंबर हम आपको अगेन रिपीट करा देते हैं, ये कस्टमर केयर नंबर है जो नेशनल टोल फ्री नंबर है, इसमें आप कॉन्टैक्ट करके जितने भी क्वारीज डाउट हैं आप यहाँ से बात करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से आप IFSC कोड इलाहाबाद बैंक का, जो न्यू जनरेट किया गया है इंडियन बैंक पर, तो आप इंडियन बैंक द्वारा जो न्यू जारी किया गया, आप वो उस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, तो आपको बड़ी आसानी होगा। और भी चीज़ इसके बारे में हम आपको बताते हैं, वीडियो पर आप एंड तक ज़रूर बने रहना। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप दो तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं, तो हम दूसरे तरीके में आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इंटरफेस देख पा रहे हैं, IFSC कोड, MCR कोड, ब्रांच कोड इन स्टेट वाइज, इसका मतलब यह है कि आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, मतलब प्रदेश वाइज। तो इस पर हम क्लिक करके आपको प्रूफ के साथ इसमें दिखाएंगे, क्योंकि पहले भी एक वीडियो में बनाया था जिसमें IFSC कोड हमने बताया था, बट ये जो नया तरीका इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि इंडियन इंडियन बैंक की वेबसाइट पर, तो ये मैं अभी इस जो न्यू वीडियो आप जारी कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज भी हम आपको ओपन करके विथ प्रूफ दिखा रहे हैं। तो वीडियो पर आप बने रहना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्टेट वाइज पर, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगला टैब ओपन हो जाएगा। जैसे कि टैब ओपन होने में कुछ 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, नेट अगर स्लो हो गया तो, इस वजह से इसके लिए आपको स्किप या बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे प्रोसेसिंग होता है, तो इसमें अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे कांट दिखा रहा, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक PDF फाइल आ चुका है, जो जैसे मैंने आपको बताया था ना, PDF फाइल ही, जो कि ये अभी नया जोड़ा गया है। यहाँ पे दिया गया है, डू यू वांट टू डाउनलोड स्टेट वाइज कंप्रेसर्ड PDF अगेन। तो ये PDF है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डाउनलोड क्लिक करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे
तो ये डाउनलोडिंग में जाएगा, डाउनलोडिंग होने के बाद ये डायरेक्ट हमें रिडायरेक्ट कर देगा गूगल गूगल ड्राइव पर। तो ये सीधे आपके गूगल ड्राइव पर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इंटरफेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छा ये कमाल का फीचर ऐड कर दिया गया है, जो कि ये अभी फ़िलहाल ऐड किया गया है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रदेश वाइज, जो कि यहाँ पे हम आपको जूम भी करके दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रदेश वाइज दिया गया है, आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरह से स्टेट वाइज हो गया, ब्रांच कोड हो गया। तो यहाँ इस तरह से हम आपको यहाँ पे पूरा जूम आउट भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे कई सारे सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एग्जांपल तौर पर यहाँ पे आपका सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे स्टेट हो गया, यहाँ पे ब्रांच हो गया, यहाँ ओल्ड IFSC कोड हो गया या MCR कोड हो गया, फिर यहाँ से ब्रांच हो गया, इसके बाद CBSE कोड हो गया न्यू, फिर ये न्यू MCR कोड, ये न्यू IFSC कोड, जैसे कि हमने आपको बताया न्यू IFSC कोड। तो इस तरह से अब आपको बड़ी आसानी से ये जो चार्ट वाइज है ये बहुत अच्छा रहेगा। इस चार्ट को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, आपके बड़े काम की चीज़ रहेगा। अगर आप बैंकिंग से काम से जुड़ते हैं या CBSE मतलब CSE पॉइंट है या इस तरह से कुछ भी काम करते हैं, तो आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगा ये PDF। तो इस तरह से आप इसको स्क्रॉल करके पूरी PDF फाइल भी देख सकते हैं और प्लस इसको प्रिंट आउट करके आप रख सकते हैं। सभी प्रदेश के यहाँ पे दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया है, ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हो जाएगा तो हम इसको आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।